बिहार सरकार के रवैये से, नीतियों से काफ़ी जनता दुखी है, और जहाँ भी शासन की बागडोर इन पार्टियों के हाथ में, इंडिया के अंदर जो पार्टियां हैं उनके हाथ में अगर हो तो वो शासन का चरित्र अलग होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज़ और आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। देखिए, शिक्षकों को लेकर के जिस तरीके से तमाम लेफ्ट पार्टियां जो हैं वो खुल करके सरकार के विरोध में खड़ी नज़र आई, वहीं दूसरे तरफ दीपांकर भट्टाचार्य जो कि CPIML के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा कि बिहार की जनता काफ़ी नाराज़ हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से, जल्द कुछ निर्णय लेना होगा। हालांकि जो बातें कही गई थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से कि विधानसभा का जब मानसून सत्र ख़त्म होगा तो तमाम जो जितने भी शिक्षक संघ के जो अध्यक्ष हैं उन्हें बुलाकर वार्तालाप होगी, मगर अब तक ऐसा दिख नहीं रहा है। किस तरीके से दीपांकर भट्टाचार्य का गुस्सा फूटा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ तेजस्वी यादव पर, सबसे पहले आप वो सुनिए। वायलेंस का कल्चर, और खासकर ये भारतीय जनता पार्टी RSS ने इसको बढ़ावा दिया है। कहीं भी कोई अगर पॉकेट मार मिल जाए, किसी के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लग जाए तो भीड़ के द्वारा उसको पूरे पकड़ करके पीट पीट के मार देना, और जो मालदा का हमने देखा है वो वीडियो, वो एक पूरे बाजार में दो महिला के ऊपर आरोप लगे कि उन्होंने कोई सामान चुराया, और वहाँ महिलाओं को ही आगे बढ़ा करके महिलाओं को पीट रही है, और कुछ पुरुष खड़े होकर के उसके वीडियो बना रहे हैं। ये बेहद हमें लगता है कि शर्मनाक तस्वीर है और स्थिति है। तो ये जो एक तरीके से भीड़ तंत्र, धीरे धीरे लोकतंत्र देश में भीड़ तंत्र में तब्दील होते जा रहा है, ये चिंता की बात है, ये बिल्कुल चिंता की बात है। ऐसी घटना जहाँ भी हो, हम ये करें, इस पर हम लोग बिल्कुल सिलेक्टिव नहीं हैं। ये मॉब लिंचिंग का सिलसिला तो शुरू ही किया है भारतीय जनता पार्टी ने, RSS ने, जो पूरे अखलाक से शुरू हुआ। तो ये इसके निशाने पर तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम हैं, दलित हैं, महिलाएं हैं, और ये घटना देश के किसी भी हिस्से में कभी भी घट रही है हम लोग देख रहे हैं। लेकिन मणिपुर में जो चल रहा है वो तो 3 महीने से, और वो बिल्कुल एक एथनिक क्लिंजिंग की पॉलिटिक्स है, और मणिपुर के तमाम भारतीय जनता पार्टी के अपने विधायक वो कह रहे हैं कि भाई ये क्या चल रहा है। उनके अपने गवर्नर महिलाएं वो खुद कह रहे हैं कि हमने तो ऐसी हिंसा कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी है। तो इस पर हमें लगता है कि इसको एक अलग डिग्री में देखना चाहिए, अलग ढंग से बात होनी चाहिए। और देश में जहाँ भी महिला उत्पीड़न की कहीं भी कोई भी घटना, अभी हमने सुना कि शायद छपरा में कोई गैंगरेप की घटना सामने आई है, तो जहाँ भी कोई भी घटना आती है तो तुरंत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, अपराधियों को सज़ा मिलनी चाहिए, पीड़ित महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए, इस पर तो कोई दो राय नहीं है। और वो चाहे जिसकी भी सरकार हो, जिस प्रदेश में भी महिलाओं के ऊपर कहीं भी कोई उत्पीड़न घटना हो, उसको गंभीरता से हम लोग लेते हैं। हमारे संविधान में बिल्कुल साफ जहाँ कहा गया है, Article 1, इंडिया दैट इज भारत, एक ही देश के दो नाम हैं, एक नाम अंग्रेजी में है पूरे देश के तमाम भाषाओं में है, एक नाम हिंदी में या किसी कुछ और भाषा में है। तो ये जो पूरे देश के नाम को लेकर के संविधान के उसकी भावना के खिलाफ, उसके Article 1 के खिलाफ, तो जब CA आया उस समय हमने देखा कि आर्टिकल संविधान के प्रीएम्बल के खिलाफ है। तो संविधान के प्रीएम्बल से लेकर के संविधान का Article 1, ये जो लगातार संविधान की उपेक्षा, संविधान के खिलाफ सरकार की कार्रवाई, ये इस मामले में भी दिख रही है। तो इन सवालों को लेकर के हम लोगों ने वहाँ तय किया कि पूरे देश में एक मजबूत जन आंदोलन की ओर हमें बढ़ना है। और जहाँ तक बिहार की बात है तो बिहार में कई मसले हैं जिस पर हमें पता है कि बिहार सरकार के रवैये से, नीतियों से काफ़ी जनता दुखी है। चाहे आशा के फैसिलिटेटर्स कर्मी, उनका हड़ताल पिछले 10 दिन से चल रही है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। शिक्षकों में भारी नाराज़गी है, खासकर नियोजित शिक्षकों में आंदोलन जारी है। तो बिल्कुल हम इसके साथ हैं, और हम उम्मीद करते हैं, जैसे बेंगलोर के जॉइंट स्टेटमेंट में भी हम लोगों ने कहा है कि हम गवर्नेंस को, उसकी शैली और उसके सब्सटेंस, ये दोनों में बदलाव लाना चाहते हैं। और जहाँ भी शासन के बागडोर इन पार्टियों के हाथ में, इंडिया के अंदर जो पार्टियां हैं उनके हाथ में अगर हो तो वो शासन का चरित्र अलग होना चाहिए, जनता से सुनने वाला, जनता के दुख दर्द का हल करने वाला,
हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ भी महागठबंधन के अंदर भी बातें हुई हैं, सरकार के साथ भी कुछ बातें हुई हैं। ज़रूर आने वाले दिन में बिहार सरकार को इन तमाम सवालों पर, जिस पर जनता सड़क में है, आंदोलन चल रहे हैं, उस आवाज़ को सुनना चाहिए और बैठ करके बात करके उसका सलूशन निकालना होगा। और इसके लिए हमारी कोशिश बिल्कुल जारी है इन आंदोलनों के अंदर और गठबंधन के अंदर भी, और ये कोशिश जारी है। तो आपने सुना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ तेजस्वी यादव पर गुस्सा फूटा CPIML के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य का, और साफ साफ लफ्ज़ों में कहते नज़र भी आ रहे हैं कि अगर जल्द मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव तमाम जनहित के मुद्दे पर नहीं कुछ करते हैं तो कहीं ना कहीं जनता बहुत नाराज़ है, नाखुश हैं, और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।